रेस्क्यू में इन्वेस्टमेंट करें तो कैसे करें। दोस्तों जीरोधा ने एक अच्छी चीज इम्प्लीमेंट किया है, जीरोधा काउंसिल के थ्रू आप आसानी से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे जो रिक्वायर्ड है एक डीमैट अकाउंट और एक सिंपल यूपीआई एप्लीकेशन। गाइस आप अपना मोबाइल में भीम यूपीआई को इंस्टॉल कर सकते हो, भीम यूपीआई 2.0 करके सर्च करें, रिसेंट जो अपडेटेड वर्जन है उनको आप इंस्टॉल कर लीजिए आपकी मोबाइल फोन में। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है तो आप सिंपल ओपन कर लीजिए, 24 आवर्स के अंदर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए ये जो वीडियो आप देख रहे हो या फिर किसी भी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, यहाँ पे देखिए जीरोधा अकाउंट ओपनिंग लिंक, सबसे पहले ओपन डीमैट अकाउंट, जीरोधा अकाउंट ओपनिंग लिंक और उसके नीचे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट ओपनिंग वीडियो प्रोसेस वीडियो भी मिल जाएगा। इस वीडियो आपको हेल्प करेगा ऑनलाइन 10 मिनट के अंदर कैसे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। या फिर आपको अकाउंट ओपनिंग रिगार्डिंग कुछ भी सवाल है, क्वेरीज है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आते हैं कि किस तरह जीरोधा के थ्रू आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइस पहले आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही लेंथी प्रोसेस था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, लेकिन जीरोधा काउंसिल के थ्रू आप सिंपल प्रोसेस के जरिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद आप जीरोधा.com में आ जाइए, जीरोधा.com गूगल में सर्च करके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और देन यहाँ पे आप देखिए 3 डॉट एंड देन यहाँ पे कंसोल, काइट एंड कंसोल, कंसोल पे क्लिक करना है, लॉग इन टू कंसोल और यहाँ पे लॉग इन विथ काइट, और यहाँ पे काइट में तभी आप लॉग इन करेंगे अकाउंट एक्टिवेशन हो जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड लगेंगे। तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे यूजर आईडी, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाल दिया एंड देन लॉग इन करेंगे। एंड देन एक पिन सेट किया था मैंने पहले ही, 6 डिजिट का पिन, मैंने पिन भी डाल दिया एंड देन कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया, जीरोधा कंसोल की डैशबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के बाद यहाँ पे पोर्टफोलियो एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आप देखिए सबसे लास्ट में आईपीओ का ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको आईपीओ की पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे जो एक्टिव आईपीओ है वो दिख रहा है, यहाँ पे IRCTC एंड विश्वराज का आईपीओ आपको यहाँ पे दिख रहा है, उनकी स्टार्ट डेट, IRCTC का जो स्टार्ट डेट है 30 सितंबर एंड इन डेट 3rd October, इसकी जो प्राइस रेंज है अपर प्राइस 320 एंड लोअर प्राइस 315 एंड मिनिमम क्वांटिटी, मतलब इसकी जो लॉट साइज दिख रहा है यहाँ पे 40, मतलब 40 क्वांटिटी आपको लेना ही होगा, एक लॉट है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेना है तो इनकी मल्टीप्लाई में, जैसे 80, 120, इसकी मल्टीप्लाई में आपको लेना पड़ेगा। देखिए अभी यहाँ पे प्लेस बेट, लेकिन अभी आप बिट प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि अभी एक्टिव नहीं है, कल से एक्टिव होगा। अभी अगर यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो बिडिंग फॉर दिस आईपीओ विल स्टार्ट ऑन 30 सितंबर, तो अभी यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते। तो कल अगर आपको करना है तो किस तरह करेंगे, अभी तो मैं आपको लाइव प्रोसेस नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आपको स्क्रीन शॉट के जरिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या क्या प्रोसेस आएगा अपकमिंग और आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं कुछ स्क्रीन शॉट के जरिए आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपने आ गया कल, और यहाँ पे आपको बिट यहाँ पे दिखेगा, एक्टिव जो आईपी है वो आपको दिखेगा। जैसे आपको IRCTC में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए यहाँ पे मैं एक स्क्रीन शॉट ओपन करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग आईपीओ है, उसकी स्टार्ट डेट एंड इन डेट है, एंड यहाँ पे बिट, यहाँ पे देखिए बिट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह आपको यहाँ पे IRCTC का भी बीट देखेगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे किस तरह पेज ओपन होगा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस तरह की पेज ओपन हो जाएगा। IRCTC यहाँ पे लिखा रहेगा, IPO इशू ओपन डेट, इशू इन डेट, इशू साइज दिखेगा IRCTC का, फेस वैल्यू दिखेगा, इशू प्राइस आपको दिख जाएगा, यहाँ पे इशू प्राइस यहाँ पे आप देख सकते 315 to 320 यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देन आते हैं यहाँ पे मार्केट लॉट, यहाँ पे देखिए इसकी जो मार्केट लॉट है 1600 है, ठीक है, लेकिन इसकी जो मिनिमम क्वांटिटी है 40 क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक साइज 1, ये सारे चीजें आपको दिखेगा। राइट साइड में यहाँ पे आपको एक विजुअल पेमेंट एड्रेस, जो मैंने यूपीआई आपको बताया ना, यूपीआई इंस्टॉल कीजिए और एक यूपीआई आईडी बना लीजिए, ठीक है। देन आपको यहाँ पे इस यूपीआई आईडी को डालना है,
और इस यूपीआई अकाउंट आपकी बैंक अकाउंट के साथ मैप्ड होना चाहिए, आपकी बैंक अकाउंट होना चाहिए, किसी की बैंक अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक यूपीआई अकाउंट बनाना है और उस यूपीआई अकाउंट आपकी बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आपकी यूपीआई एड्रेस डालेंगे और देन जो नेक्स्ट पेज आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। नेक्स्ट पेज इस तरह आएगा कि यहाँ पे आपको कितना क्वांटिटी लेना है एंड कट ऑफ प्राइस, मतलब आपको प्राइस मेंशन करना पड़ेगा। पहले आपको क्वांटिटी मेंशन करना पड़ेगा, जैसे कि 40 क्वांटिटी मिनिमम है IRCTC के लिए, तो यहाँ पे आप 40 क्वांटिटी डालेंगे एंड देन आपको यहाँ पे प्राइस मेंशन करना पड़ेगा। प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 315 में अगर मिले, जिन प्राइस में आप डालना चाहते हैं या फिर कट ऑफ प्राइस में अगर आप किसी भी तरह लेना है तो कट ऑफ प्राइस में आप टिक कर दीजिए और देन सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। गाइस कट ऑफ प्राइस क्या होते हैं, प्राइस बैंड क्या होते हैं, IPO एक्चुअली होता क्या है, क्यों इशू करते हैं, ये सारे चीज के बारे में मैंने एक अलग वीडियो बना के टोटल प्रोसेस कंप्लीट करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ IRCTC में कल के लिए इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जिनके पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है उनके लिए मैंने रिक्वेस्ट आ रहे थे, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस डालने के बाद सिंपल नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे देखिए आई हेयर बाई यहाँ पे अंडरटेक दैट, ठीक है। यहाँ पे आप टर्म्स एंड जो कंडीशन है इनको आप पढ़ सकते हो और देन यहाँ पे टिक करके नीचे सबमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए IRCTC का 40 क्वांटिटी बिट लगाने के लिए कितना आपको प्राइस लगेगा, 320 में ले लेता हूँ और देन 40 ज्यादा अमाउंट नहीं है, 12,800 एक लॉट की बिट लगाने के ये अमाउंट ब्लॉक्ड होगा, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ब्लॉक्ड होगा, क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे अमाउंट दिखेगा इस IPO की वन लॉट बाय करने के लिए इतना अमाउंट IRCTC का यहाँ पे आपको दिखेगा 12,800। तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आप अपना UPI जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनको आप ओपन करेंगे, वहां पे माई मैंडेट्स करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे आप मोबाइल में देख भी रहे हो स्क्रीन के ऊपर माई मैंडेट करके एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पे एक्टिव और पेंडिंग, यहाँ पे पेंडिंग सेक्शन में आपको दिखेगा IRCTC का IPO के लिए कितना अमाउंट मैंडेट हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है, एक है डिक्लाइन और एक प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव सेक्शन में दिखेगा, और ये जो अमाउंट है ये अमाउंट टोटल आपका डिडक्ट नहीं हो रहा है, वो मैंडेट में डिपोजिट रहेगा जब तक आपका IPO सबमिट ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए। एक बार एग्जीक्यूट हो जाए, सबमिट हो जाए आपका बिट, तो आपको यहाँ पे एक SMS मिल जाएगा एक्सचेंज से, कॉन्फर्मेशन के लिए SMS मिल जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, इतनी इजी प्रोसेस है, आप जीरोधा के माध्यम से IPO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। गाइस मैंने नेक्स्ट वीडियो में IPO में किस तरह इन्वेस्टमेंट करें मैं लाइव रिकॉर्ड करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी कुछ भी ओपन नहीं है तो इसलिए मैंने लाइव करके नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो वीडियो इस पर लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और गाइस डिस्क्लेमर के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की एनालिसिस जरूर करें, और किसी भी IPO में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनकी RHP यानी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस आप सेबी की वेबसाइट में पढ़ सकते हो, वहां पे आपको किसी भी IPO की फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और मैं अपकमिंग वीडियो में IPO के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।